जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमने कहानी, प्रमुख जो कहानी है और उनके जो पात्र हैं उसके बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण कहानियों से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, उनके क्रमबद्ध प्रश्न पढ़ेंगे जो नेट एग्जाम, टेट एग्जाम और पीजीटी एग्जाम, आरपीएससी आदि में पूछे जाते हैं, उनको भी देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो पूरा देखें आप और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। इससे पहले मैंने उपन्यास और कहानी आदि के पात्रों के बारे में, विभाजन पर आधारित जो कहानियां हैं उनके बारे में वीडियो बनाकर डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। श्रेष्ठ रचनाएं, प्रमुख रचनाओं का एक मैंने 500 रचनाओं का वीडियो बनाया, वो भी आप देखें। महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो डल चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है, हमें प्रकाशन काल की दृष्टि से चार विकल्प दिए हैं, चार में से एक का चयन करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रानी केतकी की कहानी है ना, रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह का की सबसे पहले यह आती है, और राजा भोज का सपना, फिर देवरानी जेठानी, फिर एक अद्भुत अपूर्व सपना भारतेंदु जी की। तो इस प्रकार से इनका कालक्रम माना जाता है ना, इस प्रकार से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो रानी केतकी की कहानी सबसे पहले, फिर राजा भोज का सपना, देवरानी जेठानी, एक अद्भुत अपूर्व सपना, इसका सही कालक्रम यह होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखो, इंदुमती किसकी कहानी है, तो एक किशोरीलाल गोस्वामी की है, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की है, दुलाई वाली बंग महिला की, और पंडित पंडितायन एक गिरिजादत्त वाजपेयी की। ठीक है, तो इनको आपको याद रख लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, तो प्रथम मौलिक कहानी जो शुक्ल जी ने माना है वो इंदुमती को माना है, याद रख लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक हैं तो माधवराव सप्रे। ठीक है, कौन है, माधवराव सप्रे हैं आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक। नेक्स्ट है, बंग महिला का वास्तविक नाम है तो राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है, याद रख लेना, राजेंद्र बाला घोष। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था, तो ये सरस्वती पत्रिका में, जो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है, इस पत्रिका में प्रकाशन इसका हुआ था। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया, तो ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किया वृंदावन लाल वर्मा ने, ऐतिहासिक कहानियां। नेक्स्ट देख लेना, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐतिहासिक कहानीकार भी माने जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा, और इन्होंने ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का भी शुभारंभ किया। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है, तो वो माना है राय कृष्णदास ने, राय कृष्णदास ने दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इन्होंने माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो निम्नलिखित में से किस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है, तो टेम्पेस्ट की जो छाप है वो सिद्ध हो चुकी है इंदुमती, है ना, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप इंदुमती पर जो है सिद्ध हो चुकी है। गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है, तो सुखमय जीवन। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है चंद्र शर्मा गुलेरी से, यह पूछा जाता है कि कौन सा कवि है जिसने तीन कहानी लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गया, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आता है, तो सिर्फ मात्र तीन लिखी हैं, सुखमय जीवन, उसने कहा था, और बुद्धू का कांटा, ये तीनों ही चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानियां हैं, इनको आप अच्छे से याद रख लें। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है गुलेरी जी का, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। ठीक है, और इसके पात्र भी आपको याद रख लेना है, मैंने पात्र भी बताए हैं कहानियों को, उसने कहा था, लहना से आदि, ये पात्र जरूर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है, तो फ्लैशबैक शैली, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसने कहा था, ये गुलेरी जी की कहानी है और इसमें फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है, तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी जो कथाकार हैं वो प्रेमचंद जी हैं। आपने देखा होगा प्रेमचंद जी की जो कहानी है वो यथार्थ जीवन पर आधारित है, यथार्थता को लिए हुए हैं, यथार्थता के दर्शन उसमें होते हैं, तो इसलिए आदर्शोन्मुख यथार्थवादी जो कथाकार माने जाते हैं वो प्रेमचंद जी माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो कहानी ही ऐसी विधा है जो आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा मानी जाती है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि क्या है, तो 1916 से 1936 ईस्वी तक, ये प्रेमचंद युग की अवधि मानी जाती है। ठीक है, विकल्प नंबर 20 का सही है। प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है, तो पराधीनता के विरुद्ध जो संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी है वो दो बैलों की कथा है दोस्तों, याद रख लेना,
बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेमचंद जी की दो बेलों की कथा। प्रेमचंद जी की कहानियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम अब हमें बताना है। तो सबसे पहले आता है इनका इस विकल्प अनुसार पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, ईदगाह और फिर कफन, ये इनके क्रम है। पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, ईदगाह और कफन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, ईदगाह और कफन इनको याद रखें। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, तो अंतिम कहानी कफन है, कफन। इस प्रकार से अभी आपको एक माइंड में बना लेना है कि इनकी अंतिम जो कहानी है वो कफन है। अब जैसे यहाँ विकल्प दिए हैं, तो जैसे आपके माइंड में है कि जो कफन है वो अंतिम कहानी है, मतलब कफन इसमें अंत में नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तो दो कट जाते हैं, ऑप्शन दो में से आपको टिक करना होता है, ठीक है। तो फिर आपको थोड़ा सा और दिमाग लगा के इसमें आप सही टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम है, तो इनका वास्तविक नाम था धनपत राय, ठीक है। धनपत राय, नवाब राय नाम से भी इन्होंने लिखा है, तो धनपत राय इनका वास्तविक नाम था, ठीक है। फिर प्रेमचंद नाम से भी इन्होंने लिखा, प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। हिंदी की पहली कहानी लेख क्या, तो बंग महिला है। हिंदी की पहली कहानी लेख का भी MPTET में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है, तो किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती से माना जाता है, ठीक है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी, है ना। ये सबसे पहले आएगी छाया, फिर प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप और फिर आंधी, ये सबसे आपको देख लेना है, ये इनका क्रम है। प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो इनकी प्रथम कहानी ग्राम मानी जाती है दोस्तों। प्रथम कहानी इनकी ग्राम है, जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है, याद रख लो। प्रसाद की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय का जो है इसमें वर्णन हुआ है, गुंडा, है ना, गुंडा कहानी में, और गुंडा जयशंकर प्रसाद जी की है। निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है, तो सही अनुक्रम जो होगा इसका, सबसे पहले आएगा पुरस्कार, कफन, राजा नरवसिया और फिर वापसी, ये इनका क्रम होगा दोस्तों। तो 25 का जो विकल्प नंबर ए है वो सही हो जाएगा, पुरस्कार, कफन, राजा नरवसिया और वापसी, इनका सही क्रम माना जाएगा। नेक्स्ट, कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, तो सबसे पहले आएगा क्या, इंदुमती, फिर आएगी मिठाई वाला, फिर वापसी और अक्षगान, मतलब जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले इंदुमती, है ना, मिठाई वाला, वापसी और यक्षगान। अब देखना यहाँ पर लॉजिक आपको लगाना है, इंदुमती हमने पढ़ा कि सबसे पहले कहानी है, तो इंदुमती सबसे पहले प्रथम आ रही, मतलब इसमें कोई भी कहीं भी आपको भटकना भटकने की जरूरत नहीं है, इंदुमती आ रहा मतलब डायरेक्ट आपको यहाँ से लगाना है। अगर आपको कुछ कहानियों के आते हैं क्रम, तो अन्य भी जो है इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो आपको देखना है कि प्रथम कहानी कौन सी है, अंतिम कहानी कौन सी, इस प्रकार से भी देखना है, ठीक है। पुलेक की चुड़ैल अपने जोड़ी बनाना है, तो पुलेक की चुड़ैल जो कहानी है वो भगवान दीन की है, ठीक है, उसने कहा था, तो पढ़ चुके हम, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा ये जो है चंदा शर्मा गुलेरी जी की है, कानों में कंगना ये राजा राधिका रमण जी की कहानी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक अद्भुत अपूर्व सपना है, ठीक है। तो इनको आपको देख लेना है, प्लेग की चुड़ैल, भगवान दीन, राजा राधिका रमण सिंह की कानों में कंगना, चंदन शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, ये सारी की सारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हो जाएगा हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक कौन है, तो केशव प्रसाद सिंह हैं, ठीक है। अब केशव दास मत कर देना यहाँ पर, है ना, कन्फ्यूज हो जाओ नहीं, तो केशव प्रसाद सिंह हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है, केशव प्रसाद सिंह की है, चंद्रलोक की यात्रा। प्रेमचंद की कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल हो गया था, ठीक है, सोजे वतन को जब्त कर लिया, फिर उसके बाद से इन्होंने प्रेमचंद नाम से ये लिखने लगे थे, प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे, पहले नवाब राय नाम से लिख देते। बंगला कहानी सैलीसमा बेगम का हिंदी रूपांतरण है, तो दुखवा मैं कासो कहूं मोरी सजनी, ये इसका हिंदी रूपांतरण है। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी है, तो विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की जो पहली कहानी है वो रक्षाबंधन है, याद रख लो। चारों ही कहानी ताई, उद्धार, प्रेम प्रतिमा, ये चारों ही कहानियां विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक जी की हैं। नेक्स्ट है, जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है, तो वो कहा है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने, किसने कहा है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने।
जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार उन्होंने कहा है। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं तो हीलाचंद जोशी अज्ञे और जैनेन्द्र कुमार जी, ये मनोविश्लेषणवादी कहानीकार में गिने जाते हैं। इनको आपको याद रख लेना है। सॉरी, ठीक है, प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कथाकार हैं। तो प्रेमचंद के बाद अगर मुस्लिम पात्रों को सर्वाधिक रखा है किसी ने तो वो रखा है यशपाल ने। ठीक है, यशपाल व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार हैं। तो जैनेन्द्र कुमार व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि एक वीडियो वो जरूर देखें जिसमें मैंने आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण आदि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक वीडियो में संकलित किया है। सभी के प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न वो हैं। रांगे राघव की गदल कहानी को उसने कहा था गुलेरी के बाद उसी स्तर की कहानी किसने माना है? तो वो माना है सुधांश सिंह चौहान ने। ठीक है, जो रांगे राघव की गदल कहानी है उसने कहा था फ्लैशबैक शैली की ये कहानी है उसी स्तर की इन्होंने माना सुधांश सिंह चौहान ने। वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी है तो सतमी के बच्चे, वर्ग संघर्ष के आधार। इस प्रकार से भी क्वेश्चन डीपली पूछ लिए जाते हैं। वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली जो कहानी है वो सतमी के बच्चे। नेक्स्ट है प्रेमचंद की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्त मेजनी को केंद्रित करके लिखी गई है, तो वो है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। ये इटली के महान देशभक्त मेजनी को केंद्रित करके लिखी गई सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जो लोकमंगल की भावना से युक्त राष्ट्र और विश्व कल्याण के व्यक्तिक प्रेम न्यौछावर करने वाली है, तो वो है मधुलिका। कौन सी है? मधुलिका। मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी है, तो ये दो चिड़िया जो कहानी है ये मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंका और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी है। नेक्स्ट है प्रश्न 41 से 101 तक प्रत्येक प्रश्न में कहानी का नाम है, उसके लेखक के रूप में चार नाम विकल्प स्वरूप दिए गए हैं जिनमें एक विकल्प सही है, आपको सही विकल्प चुनना है। कवि की स्त्री ये कहानी किसकी है? तो ये सुदर्शन जी की है, कवि की स्त्री। ठीक है, शैतान मंडली कहानी के रचनाकार हैं तो बेचन शर्मा उग्र जी हैं, शैतान मंडली। ठीक है, जब उग्र हो जाएगा कोई तो शैतान या शैतान ही उग्र होते हैं, तो शैतान मंडली बेचन शर्मा उग्र। उन्मादनी सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कहानी है। खंडहर की आत्माएं ये ईलाचंद्र जोशी खंडहर की आत्माएं। डायरी के नीरस पृष्ठ ये भी ईलाचंद्र जोशी की है, डायरी के नीरस पृष्ठ है। मकरील यशपाल जी की है, कई बार एग्जाम में पूछी गई मकरील है, यशपाल जी की कहानी है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं, ये भी यशपाल जी की कहानी है। नेक्स्ट है धरती अब भी घूम रही है, विष्णु प्रभाकर विष्णु जी की कृपा से अब भी घूम रही है धरती, तो धरती अब भी घूम रही है किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की है। कांगड़ा का तेली उपेंद्रनाथ अस्क जी की कहानी है, कांगड़ा का तेली। नेक्स्ट है सूर्य पूजा जो है भुवनेश्वर कुमार की है, किसकी है? भुवनेश्वर कुमार की है। और आपने भी देखा होगा कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो भी उड़ीसा में है और भुवनेश्वर में है ना, इस प्रकार से। तो सूर्य पूजा हम कहाँ करने जाएंगे? भुवनेश्वर जाएंगे, तो भुवनेश्वर कुमार की हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट में भगवती चरण वर्मा, इंस्टॉलमेंट ये जो कहानी है वो भगवती चरण वर्मा की है। आदिम रात्रि की महक, जी हाँ दोस्तों, ये आदिम रात्रि की जो महक है वो फणीश्वरनाथ रेणु की ये कहानी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाल पान की बेगम ये जो कहानी है ये भी फणीश्वरनाथ रेणु की है। तीसरी कसम ये भी फणीश्वरनाथ रेणु जी की ही कहानी है। तो लाल पान की बेगम, आदिम रात्रि की महक और तीसरी कसम ये जो कहानी है वो फणीश्वरनाथ रेणु की है। ठीक है, माया दर्पण जो कहानी है ये निर्मल वर्मा जी की, माया दर्पण है निर्मल वर्मा। पोस्ट कार्ड ये भी निर्मल वर्मा की है, माया दर्पण और पोस्ट कार्ड और कुत्ते की मौत। ठीक है, तो ये निर्मल वर्मा की ही कहानियां हैं, माया दर्पण, पोस्ट कार्ड और कुत्ते की मौत, इनको अच्छे से याद रख लें। एक फरिश्ते की कथा ये हरिशंकर परसाई जी की है, व्यंगकार हरिशंकर परसाई, एक फरिश्ते की कथा, ये महत्वपूर्ण है इनकी, एक फरिश्ते की कथा। परमात्मा का कुत्ता ये मोहन राकेश जी की है, परमात्मा का कुत्ता और मलबे का मालिक, याद रख लेना, मलबे का मालिक कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो मोहन राकेश जी की है ना। और खोया हुआ शहर ये भी इन्हीं की है, खोया हुआ शहर, मलबे का मालिक और परमात्मा का कुत्ता, ये मोहन राकेश जी की कहानी है। नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, उदय प्रकाश
वारन हेस्टिंग्स का सांड उदय प्रकाश की, फूलों का कुर्ता यशपाल जी की रचना है फूलों का कुर्ता, ठीक है। जो फूलों का कुर्ता पहनेगा रियल उसके पास यश होगा, है ना। ये तेरे प्रतिरूप एक जो कहानी है वो अज्ञेय जी की है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय साहब की एक कहानी है। अज्ञेय जी को आपको बताना है कब इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस रचना के लिए मिला, वो भी आप बताएं। पत्थर की आंखें कमल जोशी, पत्थर की आंखें कमल जोशी की है। डिप्टी कलेक्टर अमरकांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमरकांत जी की। बदबू, ये शेखर जोशी की कहानी है बदबू। नेक्स्ट है आर पार की माला, आर पार की माला शिव प्रसाद से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आर पार की माला। हंसा जाई अकेला ये मारकंडे की है, मारकंडे की हंसा जाई अकेला ये कहानी है। कोसी का घटवार शेखर जोशी, कोसी का घटवार ये शेखर जोशी साहब की एक कहानी है, है ना। गुलरा के बाबा मारकंडे की है, गुलरा के बाबा। जिंदगी और जोंक अमरकांत की है, जिंदगी और जोंक से अमर हो जाते हैं, तो जिंदगी और जोंक अमरकांत। गुल की बन्नो ये धर्मवीर भारती की है, गुल की बन्नो ये इनकी कहानी है, श्रेष्ठ कहानी है धर्मवीर भारती जी की। जानवर और जानवर ये मोहन राकेश जी की है, जानवर और जानवर याद रख लेना। और बुद्धू का कांटा तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन, और उसने कहा था ये तीनों ही जो कहानियां हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हैं, है ना। कर्मनाशा की हार ये शिव प्रसाद सिंह की है, कर्मनाशा की हार इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चांद और टूटे हुए लोग ये धर्मवीर भारती जी की है, चांद और टूटे हुए लोग। नेक्स्ट देखें जिंदगी और गुलाब के फूल, ये जो कहानी है दोस्तों ये उषा प्रियंवदा जी की जिंदगी और गुलाब के फूल। वापसी ये भी उषा प्रियंवदा, वापसी जिंदगी और गुलाब के फूल इनको अच्छे से याद रख लें, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार पूछी गई हैं। पिता ज्ञान रंजन, पिता जो है ये ज्ञान रंजन जी की है। छोटे छोटे ताजमहल ये राजेंद्र यादव जी। प्रतिशोध है दूधनाथ सिंह, है ना। प्रतिशोध किसकी है, दूधनाथ सिंह की है। तीन निगाहों की एक तस्वीर मन्नू भंडारी, ठीक है, मन्नू भंडारी जी की ये रचना है, ये कहानी है तीन निगाहों की एक तस्वीर। अंधेरे के सिलसिले मिट जाते हैं जब ज्ञान का प्रकाश आता है, तो ज्ञान प्रकाश की रचना है अंधेरे के सिलसिले, ठीक है। फैंस के इधर उधर ज्ञान रंजन की है, फैंस के इधर उधर ज्ञान रंजन। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की है, दादी माँ किसकी है, शिव प्रसाद सिंह। 30 साल का सफरनामा ये जो रचना है वो संजीव की रचना है, ठीक है। उसकी उस रात के बाद बादशाह हुसैन रिजवी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। रानी माँ का चबूतरा मन्नू भंडारी जी की ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो दादी माँ किसकी है, शिव प्रसाद सिंह जी की ये कहानी है। 30 साल का सफरनामा ये कहानी है संजीव की, है ना। उसकी उस रात के बाद बादशाह हुसैन रिजवी की है, उसकी उस रात के बाद। रानी माँ का चबूतरा मन्नू भंडारी किसकी है, रानी माँ का चबूतरा मन्नू भंडारी जी की ये रचना है, रानी माँ का चबूतरा। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश, पीली छतरी वाली जो लड़की है वो उदय प्रकाश जी की ये कहानी है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछी गई, अब टेट एग्जाम में भी पूछी जाती है, है ना। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश जी की ये रचना है। सिक्का बदल गया। अब जैसे पीली छतरी वाली लड़की है उदय प्रकाश, अब उदय जो होता है ना सूर्य का उदय होता है, सूर्य जब उदय होता है तो वो पीला पीला रहता है कि नहीं, ठीक है। तो पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश, ठीक है, इस प्रकार से याद भी कर लो इसको। सिक्का बदल गया कृष्णा सोपती, ये सिक्का बदल गया भारत पाक विभाजन पर आधारित ये रचना है, इनकी कहानी है, ठीक है, कृष्णा सोपती जी की, तो ये भी याद रखें। चार मेहराबों वाली दालान को ये बादशाह हुसैन रिजवी की है, चार मेहराबों वाली दालान। गोमा हस्ती है मैत्री पुष्पा जी की है, गोमा हस्ती है। सीट नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ममता कालिया, ठीक है, सीट नंबर 6 ये ममता कालिया जी की है, याद रखो। अतिथि देवो भाव अब्दुल बिस्मिल्लाह अतिथि देवो भाव। प्रथम पुरुष सतीश जमाली, हत्यारे अमरकांत की है, इंपॉर्टेंट है याद रख लो, हत्यारे अमरकांत, है ना। यही सच है मन्नू भंडारी। लहू पुकारे आदमी ये मधुकर सिंह की है। अंगली जो सुबह होगी वो कैसी होगी, मृदुल होना चाहिए, मृदुल, तो मृदुला गर्ग की है। आधी रात का सूरजमुखी राजकमल चौधरी,
आधी रात का जो सूरजमुखी है वो राजकुमार चौधरी की कहानी और कहानीकारों का सही मेल है ना। यहाँ पर देखें हम सबसे पहले चाय घर में मृत्यु, एक किसकी है, काशीनाथ सिंह की है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की है, ठीक है इसको याद रखो। चीफ की दावत ये भीष्म साहनी की है। और सावित्री नंबर दो ये धर्मवीर भारती की है ना। एक बार फिर से देखो, चाय घर में मृत्यु किसकी है, काशीनाथ सिंह की है ना। और एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, चीफ की दावत भीष्म साहनी, सावित्री नंबर दो ये धर्मवीर भारती की है, ठीक है तो इनको याद रख लेना है। अगला देखें कौन सा युग में असंगत है, तो असंगत हमें बताना है सफेद कौआ मंजुल भगत का ही है, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की ही है, निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई की है, पागल कुत्तों का मसीहा ये यशपाल की नहीं है, ये किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, ठीक है तो ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट देखें कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी की संज्ञा किसने दी है, तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती इसको कहानी की संज्ञा जो दी है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दी है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। हरिश्चंद्र जी की इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग, आधुनिक काल का जो प्रथम युग है उसका नाम भारतेंदु युग पड़ा है ना। नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ, तो 1956 में नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। दोस्तों नई कहानी का आरंभ किस कहानी से माना जाता है, तो निर्मल वर्मा की जो परिंदे, परिंदे ये कहानी है निर्मल वर्मा की है और इसी कहानी से नई कहानी का आरंभ माना जाता है, तो याद रखें इसको। सन 1977 ईस्वी में जनवादी विचार मंच की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई, तो ये हुई थी दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है, तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में नई कहानी की विशेष उपलब्धि रही है। नई कहानी की तथाकथित बृहत्तरई में कौन सम्मिलित नहीं है, तो वो नहीं है कौन, कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव हैं, जैनेन्द्र जी नहीं हैं, ठीक है तो इनको याद रखें। शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ से नई कहानी का आरंभ किसने माना है, तो नई कहानी का आरंभ जो माना है नामवर सिंह ने माना है शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ से, ठीक है। शेखर जोशी, शेखर जोशी यहाँ पर हमें कहानियों को सुमेलित करना है, कहानीकार और कहानी शेखर जोशी की जो है वो तरु के निर्णय है, तरु का निर्णय है, मुक्तिबोध की है, मक्तिबोध की जो है वो खड़िया के घेरे हैं, अमरकांत की हत्यारे हैं और कमलेश्वर की भटके हुए लोग हैं, भटके हुए जो लोग हैं वो भारत पाक विभाजन पर आधारित ये कहानी है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने भारत पाक विभाजन पर आधारित जो कहानी है वो भी उसका वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भारत, निम्न में से कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है या आधारित नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं 100% तैयारी करनी है, कि क्वेश्चन की तैयारी करनी है। और यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है कैसे लगे, आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो जरूर इन प्रश्नों को देख कर आपको अच्छा लगा होगा। और इससे पहले मैंने उपन्यास के पूरे प्रश्न डाले हैं। दोस्तों कुछ जो स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं सर टिक मत लगाया करो, दोस्तों इससे जो पुस्तक है इसमें सबसे पहले मैंने पढ़ी इसको, टिक लगा दी, टिक लगा दिए हैं, उसके बाद मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ है ना। तो अगली बार से जब भी मतलब नेक्स्ट मैं अच्छी जो बुक लाऊंगा उसका मैं टिक नहीं करूँगा पहले से, ठीक है तो ये भी ध्यान रखूंगा। अभी तो फिलहाल अगर आप परीक्षा के नज़दीक हैं तो उसके लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाता है, क्यों, क्योंकि उस समय आपको सिर्फ पढ़ना पड़ता है कि जल्दी जल्दी कितने क्वेश्चन हम पढ़ सकें, कितने क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें है ना, तो उस टाइम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और भी जो भी मैंने अपलोड किए हैं वीडियो उनको देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, प्रोत्साहन करें, और भी आगे की वीडियो के लिए आपको बेल आइकन को दबाना है ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा आपको जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद।